ब्रिटिश सरकार की बंगाल विभाजन की घोषणा के परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ, लेकिन जब जुलाई 1905 में इस घोषणा पर मुहर लगी तो पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में से एक कलकत्ता के सिटी हॉल में 7 अगस्त 1905 को आयोजित की गई थी, जिसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया तथा मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल नमक के उपयोग आदि के बहिष्कार पर सहमति बनी। इसके बाद 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता बनारस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में स्वदेशी आंदोलन पर मुहर लग गई तथा इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ाना और आयातित वस्तुओं का बहिष्कार करना। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और महिलाओं की भागीदारी रही, हालांकि उच्च और मध्यम वर्ग का मुस्लिम इस आंदोलन से दूर रहा। इसके प्रभाव काफी सकारात्मक और गहरे थे, जैसे आयात में गिरावट होना, राष्ट्रीय आंदोलनों में उत्पाद का विकास, स्वदेशी उद्योगों में वृद्धि, विदेशी खरीदारों एवं विक्रेताओं का बहिष्कार और स्वदेशी संस्थानों की स्थापना आदि।